हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है जो वन में किया, बट यहाँ पर साथ में एक चीज और जोड़ देती है, सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। फर्स्ट से शुरू करते हैं। 2x + 5 mod < 3 है, तो अभी बताया मैंने आपको यहाँ पर कि मोड ऑफ एक्स जब आ जाए लेस देन एल आ जाए, उसको किस कंडीशन में डिवाइड करेंगे, माइनस एल से पॉजिटिव एल। तो यही करो आप यहाँ पर भी, -3 < 2x + 5 < 3। क्लियर बनाओ, 5 इधर आएगा, नेगेटिव का 8 हो जाएगा, ये नेगेटिव का 2 4 8 हो गया, x का वैल्यू -4 से ग्रेटर है। इधर देखो 2x + 5 < 3, 5 उधर भेजेंगे हम, -2 हो जाएगा, और x का वैल्यू लेस देन हो जाएगा -1। अब इन दोनों कंडीशंस पर थोड़ा सा गौर करो। यहां पर ये कह रहा है x का जो वैल्यू है वो -4 से ग्रेटर है, -4 से ग्रेटर राइट साइड में आएंगे, और यहाँ x का वैल्यू कह रहा है -1 से लेस है, तो लेस वाली साइड राइट साइड में आएंगे। ऐसे लिखना चाहिए, -1 -2 -3 -4, ऐसे होता है। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो सिंपल। दिस इज 0, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ओपन वाला ये लाइन जा रही है, और ये वन पे भी, फिर ओपन वाला, ठीक है, ये हो गई आपकी नंबर लाइन, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पर। फर्स्ट हो गया, सेकंड देखो, 7 - 3x mod < 8 है ना, ठीक है, सेम कंडीशन है, बस यहां पर क्या होगा, -8 से डबल साइन लग जाएगा यहां पर, डबल मतलब लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। अब आ जाओ, -8 3x उधर, ये इधर, थ्री 5 = 15 है ना, इधर देखो 3x उधर, ये 8 इधर, 7 - 8 - 1/3 = 2। अब आप इन दोनों कंडीशंस को देखो, यहां बोल रहा है x का वैल्यू जो है -1/3 से ग्रेटर है, स्क्वायर वाला ब्रैकेट है ना, और यहां बोल रहा है x का वैल्यू 5 से लेस है। समझ में आया, सही तो किया ना, एक सेकंड रुकना, इसमें कौन सी वैल्यू थी अपने पास, 3x उधर गया पॉजिटिव, 8 इधर, 9 नेगेटिव का हो गया 8, ठीक है, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हम करेंगे, तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं यहाँ 0 है मेरे पास, और जो है यहाँ नेगेटिव 1 है, और यहाँ पर कहीं मेरे पास -1/3 है, 1 2 3 4 और ये 5 है। अब ये दोनों इंक्लूड करना है मुझे, है ना, क्या करना है, इंक्लूड करना है दोनों, वेट अ मिनट, ओके, इस तरीके से शेड करेंगे, है ना, ये हो गया नंबर लाइन। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड केस पर, आप 3x + 2 mod > 5। इसके लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी, जब भी x की कंडीशन मोड से ऐसे ग्रेटर हो, तो उसमें दो कंडीशन बनती है, इधर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू l और x लेस देन इक्वल्स टू -l। तो यहां भी यही करो, 3x + 2 जो है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू या तो 5 होगा, और 3x + 2 ये साइन चेंज हो जाएगा, और यहां पर -5 हो जाएगा। आ जाओ, 2 उधर गया, 5 में से 2 गया 3, -2 कितना हो गया, -7। अब देखो इन दोनों कंडीशंस को क्या कह रहा है ये, एक बार तो बोल रहा है x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर का मतलब कितना हो गया, 1 + पॉजिटिव इन्फिनिटी, और x का वैल्यू -7/3 से लेस है, -∞ से -7/3 क्लोज ब्रैकेट। अब इन दोनों के लिए सॉल्यूशन सेट अगर लिखना है तो कैसे लिखना चाहिए, -∞ से -7/3 यूनियन 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है, थर्ड हो गया। फोर्थ केस देख लो, 3 5 - 2x mod = 7। फिर से इसके ऊपर ग्रेटर वाला साइन है, तो इसको भी अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, वही वाली कंडीशन अभी लगाएंगे, या तो 3 mod 5 - 2x, ओ ओ ओ ओ एक सेकंड हटा देता हूँ, मोड तो अपन को हटाना है वैसे भी, 3 (5 - 2x) या तो ग्रेटर देन 7 लेंगे हम, और 3 (5 - 2x) लेस देन -7 लेंगे, ठीक है।
अब आ जाओ, 3 5 15, 3 2 6 और ये 7 6 6 7, या 15 माइनस 7 और ये +6x, 7 में से 15 चला गया, कितना बच गया 8, 2 4 2 3 4 बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। यहां देखो 15 प्लस 7 लेस देन +6x कितना हो गया, ये 22, 2 से 11 टाइम 2 से 3 टाइम, तो 11 बाय 3 लेस देन एक्स। अब आप इन दोनों को मिला के लिख दो एक बार, यहां बोल रहा है x का वैल्यू 4 बाय 3 से लेस है, 4 बाय 3 से लेस है, तो -∞ से 4 बाय 3, और यहां देखो x का वैल्यू 11 बाय 3 से ग्रेटर है, इस तरफ जाना चाहिए। समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहा हूं, इन दोनों को मिक्स करके अगर मैं लिखूं तो जो सॉल्यूशन सेट बनना है मेरे पास वो क्या बनना है, देखो -∞ से 4 बाय 3 यूनियन 11 बाय 3 से +∞। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है? तो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2।